स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फिल अप करने के एक एक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको लिंक आ चुकी है, आप उसको वहां से जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर जाना है और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दूँ, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है http://ppu.ac.in। वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, मेरे पास पहले से ही है, मैं यहाँ पर टैप नहीं करूँगा। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पर जाना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको इस यहाँ पे आपको लिंक नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिंक आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आपको एक कॉर्नर में दिख रहा होगा, यहाँ पे थ्री डॉट, यहाँ पे मेनू में यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा होगा। ठीक है, यह मेनू में थ्री डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है, जिसमें आपको एडमिशन एंड एग्जामिनेशन पे चले जाना है। जैसे यहाँ पे एडमिशन और एग्जामिनेशन पे जाइएगा, वहाँ पे दिया गया है फील एग्जामिनेशन फॉर्म वोकेशनल। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म वोकेशनल, यहाँ पर आपको चले जाना है। जैसे आप यहाँ पर जाइएगा, उसके बाद आपको लिखेगा यूजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नोटिस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नोटिस, देखिए ये मैं आपसे दिखा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नोटिस में क्या था, ये पहले ही टाइप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नोटिस था, जिसे यहाँ पर खोलने दीजिए, मैं आपसे दिखा देता हूँ। देखिए ये पहले वाला ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म नोटिस है, जो आपको यहाँ पे जो कल अपलोड हुई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको उस पर नहीं जाना है, या फिर यूजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको नीचे में दिख रहा है वहाँ पे जाना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे एडमिशन सर्च इन एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद यहाँ पे मांगेगा आपको ध्यानपूर्वक बिल्कुल आप समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ, तो हम आपको यहाँ पर फिल करके उसके बाद सेकेंड स्टेप बताता हूँ इसके बाद क्या करना है। वहाँ फिलअप करने के बाद आपको फिलअप करने के बाद एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर और करने के बाद आप जैसे ही सर्च कीजिएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करने के बाद आपको जैसे ही यहाँ पे सर्च कीजिएगा, आपको इस तरह का पेज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन नंबर आप पूरा समझ लीजिए, उसके बाद आप अपना प्रोसेस कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम मदर्स नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर कास्ट कैटेगरी सब कैटेगरी आपको पूरा ध्यानपूर्वक इसको जो है भरना है, क्योंकि एक बार भर जाने के बाद आपको दोबारा ये जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद रिलीजन नेशनलिटी EWS आधार नंबर मोबाइल ईमेल करेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस कॉलेज नेम डिग्री लेवल ऑफ एजुकेशन स्ट्रीम। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो भी डिटेल है उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट का यहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देख के आपको यहाँ पे पूरा डिटेल फिलअप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको जाना है लास्ट क्वालिफिकेशन, आप अगर यूजी का फॉर्म भर रहे हैं तो यूजी का ही मैं बता रहा हूँ, तो यूजी का फॉर्म लास्ट क्वालिफिकेशन 12th बोर्ड है और रोल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। अगर आप 12th BSEB से आए हैं तो आपको 311 रुपीज़ लगेगी, अगर आप BSEB के अलावा कोई अदर CBSE या ICSE या कोई अदर स्टेट बोर्ड से हैं तो आपको 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा, ये दोनों को ऐड करके आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे क्या है कि फ़ोटो सिग्नेचर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको फ़ोटो एक ये जो फोटो है यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ये जो फोटो है 150x150 पिक्सल का ही होना चाहिए, ज़्यादा का होगा तो इस पर यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद इमेज रिजोल्यूशन, ये जो है ये भी आपको 150x150 पिक्सल का ही होना चाहिए, ज़्यादा का होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप उसको जो है अपने मोबाइल से ही बना लीजिए 150x150 का। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगेगा तो उसका 800x800 है, तो आप इसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, फोटो खींच के, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है यस आई अंडरस्टैंड एग्री, निर्देश को ध्यान से पढ़ एवं समझ लीजिए और इसमें परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अहर्य हूँ। ठीक है, आपको ये पूरा डिटेल जो सही सही भरना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद सबमिट एंड पे कर देना, सबमिट एंड पे कीजिएगा तो आपको एक नया पेज खुल गया जाएगा, अगर आप ये उसको पूरा फिलअप कीजिए किए रहेंगे तब आपको एक नया पेज खुल गया जाएगा और वहाँ से आपको पेमेंट को डन कर देना है। ठीक है, चाहे आप जिस भी ऑनलाइन पेमेंट मोड से आप कटवा सकते हैं, बैंक से या कोई अदर पेटीएम से आप जो है इसका जो है पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का एक नंबर मिलेगा, जो भी आपको एक नया पेज आएगा उसके से आप जो है रजिस्ट्रेशन लेकर के आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज वेरीफाई करेगा और वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगा जो आपको फॉर्म भरने टाइम में यूज होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देते। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।